हॉलीवुड फ्रेंड्स, माय सेल्फ पीक्यू राणा, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी व्हाट्सएप पर कि अगर आपके डिलीट मैसेजेस जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं और आपका कोई व्हाट्सएप पर बैकअप नहीं है और आप उसको अगर रिकवर करना चाहते हैं तो उसको कैसे रिकवर करेंगे। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपके मैसेजेस व्हाट्सएप के डिलीट हो गए हैं लेकिन उसका कोई बैकअप नहीं है तो आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो की मदद से रिकवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा बैकअप तो है लेकिन वो जो बैकअप है वो हमारे डिलीटेड मैसेजेस को रिकवर नहीं कर रहा। अब इसके पीछे बहुत सी रीजन हो सकती हैं, जैसे कि जब आप रिस्टोर कर रहे थे अपने डिलीटेड मैसेजेस को तो आपने स्किप पे प्रेस कर दिया रिस्टोर की जगह, और वहां पर जब आपने दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश की तो उसने आपके डिलीटेड मैसेजेस को नहीं शो किया, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो मैसेजेस रिस्टोर कर रहे थे वो आप दो तीन दिन बाद कर रहे हो और दो तीन दिन बाद जो है उसने आपके डिलीटेड मैसेजेस को रिकवर नहीं किया। इसके पीछे डिफरेंट रीजन हो सकती है। तो खैर, आज की वीडियो में यही एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने मैसेजेस को कैसे रिकवर कर सकते हो जिसका आपने बैकअप लिया हुआ था। अगर आपका बैकअप आपके डिलीटेड मैसेजेस को रिकवर नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जाएंगे अपने व्हाट्सएप में, उसकी सेटिंग्स में, फिर आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा चैट का, उसके बाद चैट बैकअप, और वहां पर जाने के बाद आपको गूगल ड्राइव स्टार्ट में लिखा हुआ नजर आएगा, वहां पर आपको एक टाइम शो हो रहा होगा। आपने इस टाइम को देखना है और यहाँ पर यह चीज देखनी है आपने कि जो मैसेजेस आपके डिलीट हुए थे वो किस टाइम हुए थे। इस टाइम जो टाइम आपको वहां पर शो हो रहा है गूगल ड्राइव के सामने, उस टाइम से पहले डिलीट हुए हैं या बाद में डिलीट हुए हैं। अगर तो उससे पहले डिलीट हो गए तो उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर आपके मैसेजेस जो टाइम वहां पर शो हो रहा है उसके बाद डिलीट हुए हैं तो वहां पर आपको सिंपली अपनी व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल कर देना है। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अपनी व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल कर दीजिएगा या फिर आप जाइएगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजर का या एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको वो तमाम एप्लीकेशन शो करेगा जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। वहीं पर आपको व्हाट्सएप भी शो करेगा, आपने व्हाट्सएप पे क्लिक करना है उसको, और वहां पर आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलेगा और उस पर क्लिक करके अपनी व्हाट्सएप को दोबारा से चलाइएगा, आपके जो मैसेजेस हैं उसी टाइम रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ये उसी सूरत में होंगे कि जो टाइम आपको वहां पर शो हो रहा है उसके बाद अगर आपके डिलीट हुए हैं, लेकिन उस टाइम से अगर पहले डिलीट हुए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप जाएंगे अपने मोबाइल की ड्राइव, गूगल ड्राइव में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव की, आपने उसको ओपन करना है और वहां पर आपको जो उनसे लेफ्ट साइड पे थ्री लाइंस नजर आ रही हैं आपने उस पर क्लिक करना है, फिर एंड में आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। उस बैकअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको व्हाट्सएप के एक या दो बैकअप वहां पर शो करेगा, आपने उन बैकअप को वहां से डिलीट कर देना है। अब जैसे ही उस बैकअप को डिलीट कर देंगे तो जो गूगल ड्राइव पे आपका व्हाट्सएप का बैकअप होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर वही कंडीशन बन जाएगी जो मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि बगैर बैकअप के अपने मैसेजेस को कैसे रिकवर करेंगे। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जाना है अपने व्हाट्सएप को अपने फाइल मैनेजर में, उसको ओपन कीजिएगा इंटरनल स्टोरेज में, व्हाट्सएप का फोल्डर होगा उसको ओपन करें। व्हाट्सएप का फोल्डर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक डेटाबेस का फोल्डर मिलेगा। डेटाबेस के फोल्डर को ओपन करने के बाद वहां पर कुछ फाइल्स होंगी जो आपको मैसेज स्टोर के नाम से मिलेंगी। यहाँ पर जो आपको फाइल नजर आएंगी उनके आपने टाइम को देखना है, और फिर वही बात के उन टाइम से आपने एनालाइज करना है कि वहां पर जो भी फाइल आपको मिलेगी उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, क्योंकि ये फाइल्स रात के 2 बजे तकरीबन डेली क्रिएट होती हैं आपके व्हाट्सएप पे, और ये हमारा लोकल बैकअप कहलाती है। ये भी एक तरह से हमारा बैकअप है, इसी में इन फाइल्स में भी हमारे जो मैसेजेस हैं वो स्टोर होते हैं। आपने इन फाइल्स के टाइम को देखना है और उस टाइम को जिस टाइम आपके मैसेजेस डिलीट हुए हैं, तो यहाँ पर वो फाइल्स जो आपके मैसेजेस के डिलीट होने के बाद बनी हैं उनको या तो आप डिलीट कर दीजिएगा या फिर यहाँ से कट करके आपके व्हाट्सएप से बाहर कहीं भी पेस्ट कर दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से उन फाइल्स को ही डिलीट करना है या उन फाइल्स को ही मूव करना है जो आपके मैसेजेस डिलीट होने के बाद बनी हैं। उससे पहले अगर बनी है तो उन फाइल्स को आपने यहीं पर रहने देना है, उन फाइल्स को आपने कुछ नहीं करना, आपने बस उन फाइल्स को यहाँ से डिलीट या मूव करना है जो आपके मैसेजेस डिलीट होने के बाद बनी है। तो जैसे ही आप ये काम कर लें और उसके बाद फिर वही बात, या तो अपनी व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर आप अपने सेटिंग्स में जाकर ऐप मैनेजर और उसके बाद व्हाट्सएप फिर क्लियर डेटा कर लीजिएगा और उसके बाद अपनी व्हाट्सएप चलाइएगा, तो जो आपके डिलीटेड मैसेजेस हैं वो आपको शो हो जाएंगे, आपके जो मैसेजेस हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।